हेलो एवरीवन, तो आज के इस वीडियो के साथ मैं अपने चैनल पर एक वीडियो सीरीज शुरू करने जा रही हूँ, जिसमें हम पढ़ेंगे एस्ट्रोनॉमी यानी कि खगोल विज्ञान। तो चलिए समझते हैं कि एस्ट्रोनॉमी क्या होती है। एस्ट्रोनॉमी साइंस की वो ब्रांच है जिसमें हम सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स और फिनोमिना को स्टडी करते हैं। तो इससे पहले कि आप एस्ट्रोनॉमी को समझें, आपको पहले ये समझना पड़ेगा कि सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स और फिनोमिना क्या होते हैं। सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स उन ऑब्जेक्ट को कहा जाता है जो हमें आसमान में दिखाई देते हैं, जैसे आप दिन में सूरज को चमकते हुए देखते होंगे, रात के आसमान में आपको बहुत सारे तारे दिखाई देते होंगे, कुछ ग्रह भी दिखते होंगे और हमारा चांद भी दिखता होगा। और अगर आपकी किस्मत अच्छी है और आप एक साफ जगह पर रहते हैं तो आपको हमारी मिल्की वे गैलेक्सी भी दिखाई देगी। इन सबको ही सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट कहा जाता है। इन सब के अलावा ब्रह्मांड में कुछ ऐसे सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट भी हैं जो हमें नंगी आंखों से दिखाई नहीं देते हैं। उन्हें देखने के लिए हमें टेलीस्कोप की हेल्प लेनी पड़ती है। और हमारे ब्रह्मांड में कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स भी हैं जिन्हें हम टेलीस्कोप की मदद से भी नहीं देख सकते हैं, क्योंकि अभी तक हमारे टेलीस्कोप इतने पावरफुल नहीं हुए हैं कि उतने दूर के ऑब्जेक्ट्स को देख पाए। चलिए अब समझते हैं सेलेस्टियल फिनोमिना को। आपने अपने जीवन में कभी ना कभी सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण जैसी घटनाओं को देखा होगा। आपने ये भी नोटिस किया होगा कि हमारी पृथ्वी पर कभी दिन रात से बड़ा होता है तो कभी रातें दिन से बड़ी हो जाती हैं। और कभी कभी तो रात और दिन दोनों ही बराबर होते हैं। ये सारी चीजें सेलेस्टियल फिनोमिना की एग्जांपल हैं। रात में चमकते हुए चांद को देखना हम सभी को बहुत ही पसंद होता है। बचपन से ही हम सबके अंदर एक स्पेशल अट्रैक्शन होता है अपने चांद के लिए। आपने ये नोटिस किया होगा कि हमारा चांद हमेशा एक जैसा नहीं होता है। किसी रात को वो हमें पूरा गोल दिखाई देता है और उसके बाद वो हर बदलती रात के साथ थोड़ा थोड़ा कम दिखाई देने लगता है, और ऐसे ही पतला होते होते एक दिन वो पूरा गायब हो जाता है। फिर इसके बाद वो हमें फिर से थोड़ा थोड़ा दिखाई देना शुरू होता है और फिर एक दिन वापस से गोल हो जाता है। ये भी एक सेलेस्टियल फिनोमिना ही है। इसके अलावा आपने रात में टूटते हुए तारे को देखकर जरूर कभी ना कभी विश मांगी होगी। पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि वो टूटता हुआ तारा नहीं होता है। अब वो होता क्या है ये हम आने वाले वीडियोस में डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी के लिए आप ये समझिए कि आसमान से तारे टूटने की उस घटना को मीटियोर शावर कहा जाता है, और ये भी सेलेस्टियल फिनोमिना का ही एग्जाम्पल है। तो आई होप आपको अभी तक समझ में आ चुका होगा कि सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स और फिनोमिना क्या होते हैं। इन सब चीज़ों के अध्ययन को ही एस्ट्रोनॉमी कहा जाता है। इस वीडियो सीरीज में आगे बढ़ते हुए हम एक एक करके इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। इन सब को पढ़ने के बाद आप एस्ट्रोनॉमर तो नहीं बन जाएंगे, लेकिन हाँ, आपको अपने यूनिवर्स के बारे में एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग जरूर हो जाएगी। अगर आपने नोटिस किया हो तो थोड़ी देर पहले मैंने एक शब्द यूज़ किया था और वो है एस्ट्रोनॉमर। तो चलिए अब ये समझते हैं कि एस्ट्रोनॉमर्स क्या होते हैं। एस्ट्रोनॉमर्स को हिंदी में कहा जाता है खगोल विज्ञानी। यानी कि ऐसे व्यक्ति जो कि एस्ट्रोनॉमी पढ़ते हैं, द पर्सन हु स्टडीज एस्ट्रोनॉमी। मतलब कि ऐसा कोई भी व्यक्ति जो कि एस्ट्रोनॉमी पढ़ता है उसे हम एस्ट्रोनॉमर बोल सकते हैं। एस्ट्रोनॉमर दो प्रकार के होते हैं, एक प्रोफेशनल एस्ट्रोनॉमर
और दूसरे एमेचर एस्ट्रोनॉमर। प्रोफेशनल एस्ट्रोनॉमर वैसे एस्ट्रोनॉमर को कहा जाता है जिनके पास एस्ट्रोनॉमी की कोई डिग्री होती है, उन्होंने किसी यूनिवर्सिटी से एस्ट्रोनॉमी में पीएचडी की होती है और वो किसी रिसर्च सेंटर में एस्ट्रोनॉमी में रिसर्च करते हैं, यही उनका प्रोफेशन होता है और इसी के जरिए वो अपने जीवन यापन के लिए पैसे कमाते हैं। वो अपनी पूरी जिंदगी ब्रह्मांड के रहस्य को समझने में लगा देते हैं। और अगर बात करें एमेचर एस्ट्रोनॉमर की, तो वो ऐसे एस्ट्रोनॉमर होते हैं जिनके पास एस्ट्रोनॉमी की कोई डिग्री नहीं होती है, बल्कि वो सिर्फ और सिर्फ अपनी खुशी के लिए और अपने शौक के लिए एस्ट्रोनॉमी को पढ़ते हैं। तो कमेंट करके बताइए कि आप में से कौन कौन है जो कि एस्ट्रोनॉमर बनना चाहता है और इस ब्रह्मांड के रहस्य को समझना चाहता है। अब हम बढ़ेंगे अपने अगले टॉपिक की तरफ और वो है यूनिवर्स। किसी भी सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट या फिर फिनोमेना को समझने के लिए हमें पहले ये समझना पड़ेगा कि यूनिवर्स क्या है, क्योंकि हर एक चीज़ का अस्तित्व इसी में है। यूनिवर्स को समझने के लिए हम पहले ये समझेंगे कि आखिर यूनिवर्स को यूनिवर्स क्यों कहा जाता है। यूनिवर्स ये जो शब्द है डिराइव हुआ है यूनिवर्स से। इसका मतलब होता है सब कुछ। ये एक लैटिन वर्ड है। अगर सिंपल शब्दों में मैं आपको बताऊं कि यूनिवर्स क्या होता है, तो उसका जवाब ये होगा कि यूनिवर्स इज एवरीथिंग। ब्रह्मांड सब कुछ है। नॉर्मली हम लोग जब भी यूनिवर्स के बारे में बात करते हैं तो हमारे दिमाग में तारों की, गैलेक्सीज की और प्लैनेट्स की पिक्चर आती है, लेकिन हमारा ब्रह्मांड सिर्फ उतना ही नहीं है, बल्कि हम सब भी इसी ब्रह्मांड के पार्ट हैं। मैं, आप और हमारे आसपास के जितने भी लोग हैं, हमारे आसपास जितनी भी चीज़ें हैं, सारे पेड़ पौधे, सारे जानवर, हर एक चीज़ यूनिवर्स की ही पार्ट है, क्योंकि हम लोग जहाँ पर रहते हैं यानी कि हमारी पृथ्वी, वो भी यूनिवर्स की ही पार्ट है। हमारी पृथ्वी भी एक सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट ही है। हमारे आसपास जितने भी मैटर हैं, एनर्जी है, फोर्सेस है, उस हर एक चीज़ के सम टोटल को यूनिवर्स कहा जाता है। सारा स्पेस, टाइम, मैटर, एंटी मैटर, एनर्जी, डार्क एनर्जी, ये सारी चीज़ें यूनिवर्स की ही पार्ट है। अपनी सभ्यता की शुरुआत से ही हम इंसानों ने ब्रह्मांड के रहस्य को जानने की कोशिश की है। इतने सालों के सफ़र में हमने ब्रह्मांड के बारे में बहुत कुछ जाना है, लेकिन इतना सब कुछ जानने के बाद भी हम कुछ भी नहीं जानते हैं। जी हाँ, हमारा ब्रह्मांड बहुत ही बड़ा है और हमारे पास उसके बारे में जो नॉलेज है वो बहुत ही कम है, एकदम ना के बराबर। बस यूँ समझ लीजिए कि अगर हमारा ब्रह्मांड एक ओशियन है, तो हमारे पास उसके बारे में जो नॉलेज है वो एक छोटी सी बूंद के बराबर है। इस बूंद को हमने एक नाम दे रखा है और वो है ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स। जिसे हिंदी में कहा जाता है अवलोकन योग ब्रह्मांड। हम जब भी बात करते हैं यूनिवर्स के बारे में कि हमारा ब्रह्मांड इतना बड़ा है, उसमें इतने सारे तारे हैं, इतने सारे गैलेक्सीज हैं, तो उस समय हम इस ब्रह्मांड के बारे में बात नहीं कर रहे होते हैं। उस समय हम बात करते हैं ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स की, क्योंकि इस वाले ब्रह्मांड के बारे में तो हमें कुछ पता ही नहीं है। अभी तक हम इतने काबिल नहीं बन पाए हैं कि हम इस वाले ब्रह्मांड को समझ सकें।
और मैं भी अपने आने वाले वीडियोस में आपको ब्रह्मांड के बारे में जो कुछ भी बताऊंगी वो इस ब्रह्मांड के बारे में ही होगा। तो चलिए ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स को थोड़ा डिटेल में समझते हैं। ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स एक स्फेरिकल रीजन है जो हमारे पूरे ब्रह्मांड का हिस्सा है और इसी में वो सारे मैटर और एनर्जी हैं जिसको आज तक हम लोग जान पाए हैं। ऑल मैटर एंड एनर्जी विच इज नोन टू अस, इसका मतलब ये है कि हमारे ब्रह्मांड का वो हिस्सा जिसको हम लोग टेलीस्कोप की मदद से देख पाए हैं या फिर साइंस और मैथ के नियमों का इस्तेमाल करके समझ पाए हैं उसे ही ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स कहा जाता है। ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स में 100 अरब आकाश गंगाएं हैं और हर एक आकाश गंगा में लगभग 100 अरब तारे हैं। ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स का डायमीटर 93 बिलियन लाइट ईयर है। ब्रह्मांड की विशालता को समझने के लिए अब हमें यह समझना पड़ेगा कि लाइट ईयर क्या होता है। लाइट ईयर डिस्टेंस की यूनिट है। शायद आप ये जानते होंगे कि लाइट ब्रह्मांड में सबसे तेज चलने वाली चीज है। इससे तेज ब्रह्मांड में कुछ भी नहीं है। लाइट की स्पीड है 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड, यानी कि लाइट एक सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर की दूरी तय कर लेती है। और यही लाइट एक साल में जितनी दूरी तय करेगी उसे हम कहेंगे 1 लाइट ईयर, यानी कि द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन 1 ईयर इज कॉल्ड 1 लाइट ईयर। मान लीजिए कि 1 जनवरी 2022 को लाइट यहाँ पर है और उसके ठीक एक साल बाद यानी कि 1 जनवरी 2023 को लाइट यहाँ पर पहुँच गई। इस एक साल में लाइट ने ये जो दूरी तय की है इसे ही 1 लाइट ईयर कहा जाता है। चलिए अब समझते हैं कि 1 लाइट ईयर की वैल्यू किलोमीटर में कितनी होती है, क्योंकि कहीं ना कहीं हम किलोमीटर से ज़्यादा फैमिलियर हैं तो इससे हमें समझने में आसानी होगी कि 1 लाइट ईयर दूरी कितनी होती है। जैसा कि आप जानते हैं कि एक साल में 365 दिन होते हैं और हर दिन में होते हैं 24 घंटे, तो इस हिसाब से पूरे साल में 8760 घंटे हो गए। अब इस घंटे की वैल्यू को हम लोग 60 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि एक घंटे में 60 मिनट होते हैं। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर
हमें पता चल जाएगा कि एक साल में कितने मिनट होते हैं। तो एक साल में 5,25,600 मिनट होते हैं। अब मिनट की इस वैल्यू को भी हम लोग 60 से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि हमें ये पता चल सके कि एक साल में कितने सेकंड होते हैं। तो एक साल में होते हैं 3,15,36,000 सेकेंड्स। और जैसा कि मैं आपको थोड़ी देर पहले बताया कि लाइट एक सेकेंड में 3,00,000 किलोमीटर की दूरी तय करती है और लाइट द्वारा एक साल में तय की गई दूरी को 1 लाइट ईयर कहा जाता है। तो हम लोग इस सेकेंड की वैल्यू को 3,00,000 से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि हमें पता चल सके कि लाइट एक साल में कितने किलोमीटर की दूरी तय करती है। ये रही वैल्यू 1 लाइट ईयर की किलोमीटर्स में। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारे ब्रह्मांड का डायमीटर 93 बिलियन लाइट ईयर है। तो अगर हम इस 93 बिलियन को इस वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो नंबर आएगा वो होगा डायमीटर हमारे उस ब्रह्मांड का जिसे हम लोग जानते हैं। कहीं ना कहीं आपको अंदाजा होगा कि 1 किलोमीटर की दूरी कितनी होती है। तो आप खुद अंदाजा लगाइए कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद जो नंबर आएगा वो कितना बड़ा होगा। और याद रखिएगा ये डायमीटर सिर्फ उस ब्रह्मांड का है जिसको हम लोग जान पाए हैं। हमारा पूरा ब्रह्मांड तो न जाने कितना बड़ा होगा। अगर आप सोचना शुरू करें तो आपको सोचते सोचते कुछ और समझ में आए या फिर ना आए, आपको इतना जरूर समझ में आ जाएगा कि ब्रह्मांड की विशालता को समझना हमारे बस की बात तो बिल्कुल नहीं है, और कम से कम अभी के लिए तो बिल्कुल नहीं। तो चलिए अपने दिमाग को थकाना बंद करते हैं और बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ जो है ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स यानी कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति। ब्रह्मांड की उत्पत्ति को समझाने के लिए कुछ थियोरीज दी गई हैं, जिसमें से पहली थियोरी है बिग बैंग थियोरी यानी कि महाविस्फोट सिद्धांत। दूसरी थियरी है स्टेडी स्टेट थियरी यानी कि सतत सृष्टि का सिद्धांत। तीसरी थियरी है पल्सेटिंग थियरी यानी कि दोलन का सिद्धांत। ये तीनों थियोरीज हमारे ब्रह्मांड की उत्पत्ति और विकास को समझाती हैं। अब हम एक एक करके इन सब के बारे में जानेंगे। पहली है बिग बैंग थियोरी। इस थियोरी को समझने से पहले इनसे मिलिए। ये है जॉर्ज लिमेटर, बेल्जियम के एक पादरी। इन्होंने ही सन 1931 में अपने एक रिसर्च पेपर में दुनिया को बिग बैंग थ्योरी के बारे में बताया था। इनके हिसाब से हमारे ब्रह्मांड की उत्पत्ति एक बहुत ही छोटे से कण से हुई थी जिसका आकार एक सुई की नोक से भी छोटा था। वैसे तो आप सोच नहीं पाएंगे लेकिन फिर भी एक बार ट्राई कीजिए, ज़रा सोचिए कि वो कण कितना छोटा होगा।
उस छोटे से कण को यहाँ ड्रॉ करना तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन बस आपको समझाने के लिए मैं यहाँ पर एक छोटा सा डॉट बनाती हूँ। इस डॉट को नाम दिया गया है सिंगुलैरिटी। इसी सिंगुलैरिटी से हमारे पूरे ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है। हमारे ब्रह्मांड में जो अरबों गैलेक्सीज हैं, उसके अंदर अरबों तारे हैं, वो सभी इसी सिंगुलैरिटी से उत्पन्न हुए हैं। आप, मैं, हमारे आसपास की हर एक चीज इसी एक छोटे से बिंदु से उत्पन्न हुए हैं। आज से 13.7 बिलियन सालों पहले इस छोटे से कण में अचानक से धमाका हुआ और धीरे धीरे करके हमारा ब्रह्मांड फैलने लगा और ठंडा होने लगा। करोड़ों सालों तक हमारा ब्रह्मांड अंधेरे में रहा और फिर उसके बाद धूल और गैस के बादलों के मिलने से तारे का जन्म हुआ और हमारे ब्रह्मांड में पहली बार रोशनी हुई और फिर उसके बाद उन तारों के आपस में मिलने से गैलेक्सी का निर्माण हुआ। बिग बैंग से लेकर ब्रह्मांड के अब तक के विकास को समझाने के लिए मैंने पहले से एक वीडियो बना रखी है। अगर आप चाहें तो लिंक ऊपर आई बटन पे है, आप वहां जाकर उसे देख सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसी सिंगुलैरिटी से हमारे पूरे ब्रह्मांड का जन्म हुआ है। वो सारे तारे, सारे ग्रह जो ब्रह्मांड में मौजूद हैं, वो इसी एक छोटे से बिंदु में सिमटे हुए थे और इसी वजह से इस छोटे से कण का तापमान और घनत्व अनंत था। बिग बैंग थ्योरी अब तक की मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी है। समय समय पर ऐसे बहुत सारे सबूत मिले हैं जो कि इस थ्योरी को सपोर्ट करते हैं। चलिए अब जानते हैं अगली थ्योरी के बारे में, जो है स्टेडी स्टेट थ्योरी, यानी कि सतत सृष्टि सिद्धांत। इस थ्योरी को सबसे पहले 1920 में जेम्स जीन्स ने प्रतिपादित किया था। यहाँ पर आपको एक साइंटिस्ट की पिक्चर दिख रही होगी, यही है जेम्स जीन्स, जिन्होंने स्टेडी स्टेट थ्योरी को दुनिया के सामने रखा था। लेकिन उस वक्त यह थ्योरी उतनी ज़्यादा पॉपुलर नहीं हो पाई थी। फिर उसके बाद 1948 में तीन एस्ट्रोनॉमर्स फ्रेड होयल, हार्मन बॉन्डी और थॉमस गोल्ड ने इस थ्योरी को रिफॉर्मुलेट किया था। यह है फ्रेड होयल, यह है हार्मन बॉन्डी और यह है थॉमस गोल्ड। इस थ्योरी से जुड़ी हुई एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। ये तीनों साइंटिस्ट एक फिल्म देखने गए थे जिसका नाम था डेड ऑफ नाइट। इस फिल्म को देखने के बाद ही इन्हें इस थ्योरी को बनाने का आइडिया आया था। यह फिल्म चार भागों में डिवाइड थी और इस फिल्म का अंत बिल्कुल इसके शुरुआत के जैसा ही था। अब ये कोई नॉर्मल लोग तो थे नहीं जो फिल्म को देखते, इंजॉय करते और भूल जाते। इनके पास तो साइंटिस्ट वाला दिमाग था। एक फिल्म देखकर इन्होंने एक ऐसा सिद्धांत दिया जो हमारे ब्रह्मांड की उत्पत्ति को समझाता है। चलिए अब समझते हैं कि स्टेडी स्टेट थ्योरी हमारे ब्रह्मांड के बारे में क्या बताती है। स्टेडी स्टेट थ्योरी के हिसाब से हमारे ब्रह्मांड का ना तो जन्म हुआ है और ना ही उसका अंत होगा। हमारा ब्रह्मांड हमेशा से ऐसा ही था। बिग बैंग थ्योरी की तरह ही ये थ्योरी भी मानती है कि हमारा ब्रह्मांड फैल रहा है, लेकिन फैलने के दौरान हमारे ब्रह्मांड की मीन डेंसिटी चेंज नहीं हो रही है। अब इसका क्या मतलब है, चलिए समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए ये हमारा ब्रह्मांड है और इसके अंदर ये सारी गैलेक्सीज हैं। तो अगर हमारा ब्रह्मांड फैलेगा और बड़ा होगा तो उसके अंदर मौजूद गैलेक्सीज भी एक दूसरे से दूर चली जाएंगी और हमारे ब्रह्मांड की मीन डेंसिटी कम हो जाएगी। लेकिन इस थ्योरी के हिसाब से हमारे ब्रह्मांड में लगातार नई नई गैलेक्सीज बनती रहती हैं जो उस गैप को भर देती हैं
जो गैलेक्सीज के दूर जाने की वजह से उत्पन्न हुआ है, और इस तरह से हमारे ब्रह्मांड की मीन डेंसिटी चेंज नहीं होती है। इस प्रकार हमारा ब्रह्मांड हमेशा ही अपने स्टेडी स्टेट को बना के रखता है। यह थियोरी हमें बताती है कि हम ब्रह्मांड में कभी भी किसी और भी देखेंगे तो हमें हमारा ब्रह्मांड एक जैसा ही दिखाई देगा। हमारे ब्रह्मांड में कोई भी परिवर्तन नहीं आता है। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं कि हमारा यूनिवर्स लगातार बदल रहा है, इसी वजह से यह थियोरी गलत साबित हो गई। स्टेडी स्टेट थियोरी के अनुसार हमारे ब्रह्मांड में हमेशा ही नए मैटर्स क्रिएट होते रहते हैं, इसीलिए इस थियोरी को कंटिन्यूअस क्रिएशन थियोरी भी कहा जाता है। चलिए अब जानते हैं तीसरी थियोरी के बारे में, जो है पल्सेटिंग थियोरी। इस थियोरी को 1941 में डॉक्टर एलन सनडेंस ने प्रतिपादित किया था। बिग बैंग थियोरी की तरह यह थियोरी भी मानती है कि हमारे ब्रह्मांड की उत्पत्ति एक महाविस्फोट से हुई थी, जिसके बाद हमारा ब्रह्मांड लगातार फैलता ही जा रहा है। लेकिन यह हमेशा ऐसे ही फैलते नहीं रहेगा। एक वक्त आएगा जब ब्रह्मांड को फैलाने वाली फोर्सेस खत्म हो जाएंगी और हमारा ब्रह्मांड सिकुड़ना शुरू कर देगा। सिकुड़ते सिकुड़ते ये वापस एक बिंदु पर आके मिल जाएगा, जिसे कहा जाएगा बिग क्रंच। बिग क्रंच के बाद फिर से एक बिग बैंग होगा और हमारा ब्रह्मांड फिर से फैलना शुरू कर देगा, और फिर से वही होगा, इसके अंदर की फोर्सेस फिर से खत्म हो जाएंगी और ये फिर से सिकुड़ना शुरू हो जाएगा। ब्रह्मांड ऐसे लगातार सिकुड़ते रहेगा और फिर से एक बिग क्रंच होगा, और बिग क्रंच के बाद ऐसे ही बिग बैंग और बिग क्रंच की प्रक्रिया हमेशा ही ब्रह्मांड में चलती रहेगी। इस थ्योरी को साइक्लिक थ्योरी या फिर ओसिलेटिंग थ्योरी भी कहा जाता है। ब्रह्मांड की उत्पत्ति को समझाने वाले तीनों सिद्धांतों को हमने पढ़ लिया है, तो चलिए अब इस वीडियो को समराइज करते हैं। इस वीडियो में हमने सबसे पहले जाना था एस्ट्रोनॉमी के बारे में। एस्ट्रोनॉमी साइंस की वो ब्रांच है जिसमें हम सेलेस्टियल फिनोमिना और सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट को स्टडी करते हैं। इसे समझते हुए ही हमने सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स और सेलेस्टियल फिनोमिना को समझा था। हमने ये जाना था कि हमारे ब्रह्मांड में जितने भी चीज़ें हैं उन सब चीज़ों के अध्ययन को ही एस्ट्रोनॉमी कहते हैं। फिर इसके बाद हमने जाना एस्ट्रोनॉमर्स के बारे में कि एस्ट्रोनॉमर्स किसे कहते हैं, जहां हमने ये जाना कि एस्ट्रोनॉमर्स ऐसे व्यक्ति होते हैं जो कि एस्ट्रोनॉमी पढ़ते हैं। हमने ये भी जाना कि एस्ट्रोनॉमर्स दो प्रकार के होते हैं, प्रोफेशनल और एमेचर। प्रोफेशनल एस्ट्रोनॉमर ऐसे एस्ट्रोनॉमर होते हैं जिनके पास एस्ट्रोनॉमी की डिग्री होती है और वो किसी रिसर्च सेंटर में काम करते हैं। फिर हमने जाना एमेचर एस्ट्रोनॉमर के बारे में। एमेचर एस्ट्रोनॉमर वैसे एस्ट्रोनॉमर होते हैं जिनके पास एस्ट्रोनॉमी की कोई फॉर्मल डिग्री नहीं होती है, वो बस अपनी खुशी के लिए एस्ट्रोनॉमी पढ़ते हैं। फिर इसके बाद हमने जाना यूनिवर्स के बारे में, जहां हमें ये समझ में आया कि सारे मैटर, एनर्जी, स्पेस और टाइम के सम टोटल को यूनिवर्स कहा जाता है। यूनिवर्स को समझते हुए ही हमने ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स के बारे में भी समझा। हमने जाना कि ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स ब्रह्मांड का वो हिस्सा है जिसको आज तक हम लोग जान पाए हैं। इसका डायमीटर 93 बिलियन लाइट ईयर है। इसमें 100 अरब गैलेक्सीज हैं और हर एक गैलेक्सी में 100 अरब तारे हैं। और फिर उसके बाद हमने समझा था लाइट ईयर के बारे में। हमने जाना था कि लाइट ब्रह्मांड में सबसे तेज चलने वाली चीज़ है
और इसकी स्पीड है 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। लाइट द्वारा एक साल में तय की गई दूरी को एक लाइट ईयर कहा जाता है। इतना सब कुछ पढ़ने के बाद फिर हमने जाना था कि हमारे इस बड़े से ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई थी। यहाँ हमने 3 सिद्धांतों को पढ़ा था जो यूनिवर्स की उत्पत्ति को समझाते हैं, जिसमें से पहला सिद्धांत था बिग बैंग थ्योरी, यानी कि महाविस्फोट का सिद्धांत। इस थ्योरी के हिसाब से हमारे ब्रह्मांड की उत्पत्ति एक बहुत ही छोटे से कण से हुई थी, जो कि सुई की नोक से भी छोटा था और उसका तापमान और घनत्व अनंत था। उसी छोटे से कण में विस्फोट होने से हमारे ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है। फिर उसके बाद हमने जाना था स्टेडी स्टेट थ्योरी के बारे में, जिसे हिंदी में कहा जाता है सतत सृष्टि का सिद्धांत। इस थ्योरी के हिसाब से ना तो हमारे ब्रह्मांड का जन्म हुआ है और ना ही उसका अंत होगा। हमारा ब्रह्मांड हमेशा से ऐसा ही था। यह थ्योरी हमें बताती है कि हमारा ब्रह्मांड फैलता तो है, लेकिन उसकी मीन डेंसिटी कभी भी नहीं बदलती है। ब्रह्मांड के फैलने की वजह से जो गैप बनता है, वहाँ पर नए नए गैलेक्सीज बनते हैं और ब्रह्मांड के उस गैप को फिल कर देते हैं। इसके बाद हमने पल्सेटिंग थ्योरी के बारे में पढ़ा था, जिसे कहा जाता है दोलन का सिद्धांत। पल्सेटिंग थ्योरी के अनुसार हमारे ब्रह्मांड की उत्पत्ति बिग बैंग से हुई थी और इसका अंत बिग क्रंच से होगा। हमारे ब्रह्मांड में फैलने और सिकुड़ने की प्रक्रिया हमेशा चलती ही रहेगी। तो इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। अगले वीडियो में हम तारों के बारे में पढ़ेंगे। हम जानेंगे कि तारों का जन्म कैसे होता है, तारे अपना जीवन कैसे जीते हैं और उनकी मृत्यु कैसे होती है, और कैसे उनकी मृत्यु से हमारे जीवन की कहानी जुड़ी हुई है। तो ख़त्म करते हैं इस वीडियो को। मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।